Uh, I apologize, my dear students. Sorry, uh, this video got caught due to some <laughs> error. No, no problem. I will make you understand. Okay, we were here. Readers don't just picture the scene. They hear the sounds. Also, okay. So now let me tell you, let me explain you what's the meaning of all this, right? Okay. It is because it allows the reader to visualize the scene by creating a multisensory experience all with words. So, beta, uh, I think, uh, I think, let me come down to the odu language so that each and everybody will get it clearly on match piajo poets are wo isliye use karte hai taaki isse jo hai kya milta hai reader ko jo padhne wala hota hai it allows the reader to visualize usko aankhon ke samne wo scene aa jata hai okay the scene by creating a multisensory experience क्या बनाने के लिए क्या क्रिएट करने के लिए एक मल्टी सेंसरी मल्टी मीन्स बहुत सारे सेंसरी मीन्स सेंसरी सेंस ऑर्गन्स इन शॉर्ट ओके एक्सपीरियंस ऑल विद वर्ड्स ओबियसली इसका मतलब ये है कि ऑन मैच पिया पोट्स के द्वारा पोड्स के ज़रिए इसलिए यूज़ होता है ताकि रीडर को विजुअलाइज हो जाए रीडर के आंखों के सामने वो सारा मंज़र आ जाए वो वाले वर्ड्स का जो वर्ड्स का यूज़ कर रहा है पोइट्स पोइट सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल एक और आसान भाषा में बताऊं कि हमने देखा द क्लैशिंग ऑफ़ द डिशेस मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूं यहां पे फॉर एग्ज़ाम्पल वी सॉ द क्लैशिंग ऑफ द डिशेस यू माइट सी इन योर बुक इसमें दिया हुआ है क्लैशिंग ऑफ द डिशेज़ शाम को बेटा जब हम व्हेन आर मदर व्हेन आर सिस्टर वी आल्सो यूज टू ब्रिंग एनी यूटेंसल ओके फॉर ईटिंग इटिंग मील्स फॉर हैविंग आ डिनर वी ब्रिंग ग्लासेस ओके सो व्हाट वी डू कॉमनली व्हाट हैपन्ज ऑलमोस्ट इन ईच एंडवरी हाउस होल्ड समटाइम्स यू नो यूटेंसिल्स क्लैश विद ईच अदर और उनके दरमियान जो वो uh, जो वो वो साउंड प्रोड्यूस होती है यूटेंसिल्स के आपस में मिलने से नीचे रखने से वगैरह वगैरह गिलास नीचे उतारने से ओके गिलास को नीचे रखने से ओके गिलास उठाने से वो जो वो साउंड होती है दैट्स कॉल्ड एज द क्लैशिंग ऑफ द डिशेस अब ये जो अमीन I mean, इसने लिखा है दैट क्लैशिंग ऑफ द डिशेस क्लैशिंग ऑफ द डिशेस जब इसने लिखा तो दिमाग में आ गया क्या कि सॉरी जब वो डिशेस जो है जब वो यूटेंसिल्स जो है आपस में टकराते हैं जो और साउंड जो आवाज निकलती है ओके तो वो हमारे जहन में आ जाती है यानी कि अगर कहेगा अभी चलिए और एक एग्जांपल मैं बताता हूं हूटिंग ऑफ ओवल्स होटिंग ऑफ ओवल्स ओके होटिंग ऑफ ओवल्स होता है ओवल्स का वो जो शाम को हूट करते हैं गू गू गु जो करते हैं शाम को ओवल्स का सो वैन वी रीड या वैन वी सी दिस टर्म हूटिंग आर द हूटिंग ऑफ द ओवल्स तो जल्द से जल्द जल जल दिमाग में आ जाता है शाम का टाइम शाम का मंजर जिस टाइम ये ओवल्स जो होता है वो शाम को वो अपनी वो आवाज़ें निकालते हैं ओके okay? बात समझ में आई ओके सो और इवन 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 एक छोटी सी चीज़ भी इसने बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज़ में लिखी है वी हियर व्हाट वी हियर जूरिंग द इवनिंग वी एक इसने पॉइंट ने लिखी है फुट स्टेप्स ऑफ पीपल फुट स्टेप्स ऑफ पीपल ओके उस वक्त क्या होता है वो ठाक ठक ओके लोगों के चलने की आवाज़ सड़क पे, ओके okay? तो वहाँ पे जो होता है वो भी हम सुनते हैं यानी कि कुल मिला के ये जो पूरे का पूरा मंजर है हमें तो देखा नहीं है हम तो रीड कर रहे हैं बुक लेकिन बुक को रीड करते करते ये पोइट की एक ब्यूटी होती है आर्टिस्टिक बैंड ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं जिसके ज़रिए से वो इन चीज़ों का यूज़ करता है और ऐसी खूबसूरती के साथ इन चीज़ों का यूज़ करते हैं कि हमारे आँखों के सामने वो मंज़र आ जाता है सो दिस इज़ वाई आई यूज़ द यूज़ ऑफ द उर्दू सो दैट ईच एट एवरी माइट अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी विविडली Right, so another thing: readers don't just picture the scene, okay? Readers don't imagine the scene as as there is a picture before them, but also they hear the sounds also, okay? They also hear the sounds. They also hear the name of the sounds. For example, bass. Oh, sorry, buzz, hiss, mew, etc. Okay, beta. So, in short, I can say this is one of the beauties of the authors or the poets that they decorate their subject, that they decorate their writings with.